नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बलिया से अति महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की इस योजना के तहत पांच करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया जाएगा इस मौके पर पीएम ने दुनिया के मजदूरों को एक नया संदेश भी दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना का शुभारंभ बलिया से करते हुए कहा कि गरीबों की जिंदगी बदलना सरकार का लक्ष्य है प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र में पहली बार ऐसी सरकार है जो गरीबों की जिंदगी बदलने का काम कर रही है उज्ज्वला योजना की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में पहली बार कोई ऐसी योजना लॉन्च हुई है जो गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए है प्रधानमंत्री ने कहा की आठ करोड़ रूपए ऐसी अगले तीन साल में गरीबी रेखा ऐसी नीचे रहने वाले पाँच करोड़ परिवारों को मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना का मकसद गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है हमने एक साल में तीन करोड़ से ज्यादा परिवारों को रसोई का गैस दे दिया जिन लोगों ने सब्सिडी छोड़ी थी वो गैस सिलेंडर गरीब के घर में पहुंच गया इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ने वालों की तारीफ भी की उन्होंने कहा कि जो गरीबों के लिए सब्सिडी छोड़ेगा वो पैसे गरीबों की रसोई में जाएगा मैं आप सबसे कहता हूं उन एक करोड़ दस लाख से ज्यादा परिवारों के लिए जोर से तालियां बजाइए उनका सम्मान कीजिए उनका गौरव कीजिए उत्तर प्रदेश के विकास पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले पचास साल में जिस तड़िया घाट गाजीपुर और मऊ को रेल परियोजनाओं से नहीं जोड़ा गया उसे भी उनकी सरकार ने जोड़ने का निर्णय लिया है ताड़ी घाट गाजीपुर और मऊ इसे रेल से जोड़ा जाए पचास साल बीत गए वो बात कागज पर ही रही और आज मैं संतोष से कह सकता हूं उस रेल लाइन के लिए बजट आवंटन करने का निर्णय हमने कर लिया और उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव गांव गाँग तक बिजली पहुंचाने के लक्ष्य पर बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार के आने के बाद अब तक तेरह सौ से ज्यादा गाँव में बिजली पहुंचाई जा चुकी है पंद्रह में से तेरह गांवों छब्बीस गाँवों में खम्बा पहुंच गया तार पहुंच गया तार लग गया बिजली चालू हो गई और लोगों ने बिजली का स्वागत भी कर दिया आज औसत उत्तर प्रदेश में हम एक दिन में तीन गाँवों में बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं जो काम साठ साल तक नहीं हुआ वो हम एक दिन में तीन गांव तक पहुंचने का काम कर रहे हैं विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भी देश गरीबी से जूझ रहा है उन्होंने कहा कि पिछले साठ साल में गरीबी हटाने का नारा तो बहुत दिया गया लेकिन गरीबों पर ध्यान नहीं दिया गया देश का ये मजदूर नंबर एक देश के सभी श्रमिकों को उनके पुरुषार्थ को उनके परिश्रम को राष्ट्र को आगे बढ़ाने में उनके अविरत योगदान को कोटि कोटि अभिनंदन करता है उस महान परंपरा को प्रणाम करता है बलिया के मालदेवपुर में एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि बलिया क्रांतिकारियों की भूमि है जिसने देश को मंगल पांडे जैसे स्वतंत्रता सेनानी दिए उन्होंने श्रम दिवस के अवसर पर देश के विकास में श्रमिकों की भूमिका की सराहना की प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार श्रमिकों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए काम कर रही है श्रम सुविधा पोर्टल शुरू किया गया है जिससे श्रमिकों को मदद मिली है पहली बार देश के श्रमिकों को एक लेबर आइडेंटिटी नंबर एल आई एन लीन ये नंबर दिया गया ताकि हमारे श्रमिक की पहचान बन जाए पीएम मोदी ने कहा कि ये कार्यक्रम चुनावी नहीं बल्कि आम लोगों के कल्याण के लिए है इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीपीएल परिवारों की दस महिलाओं को अपने हाथों से एलपीजी कनेक्शन दिए कहा गया है कि जिसने गरीबी देखी नहीं उसे भला गरीबी का एहसास कैसे होगा शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलपीजी गैस कनेक्शन बांटते वक्त अपनी गरीबी का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा भी आया जीवन में जब माँ खाना पकाती थी और वो माँ को देख नहीं पाते थे धुएं की वजह से कैमरामैन विनय तिवारी के साथ राजेश राज डीडी डी न्यूज